हेलो गाइस, प्रॉपर्टी वर्ल्ड ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है 23 मार्च, और 23 मार्च को मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मुझको मेरा टारगेट तो अचीव हो गया था, लेकिन मैंने क्या किया, सोचा कि आज मुझे जो है अब जो है थोड़ा ट्रेड में रुकते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि थोड़ा और प्रॉफिट होता है क्या। मिस मैं सोच रहा था कि मैं आज थोड़ा ट्रेड में रुकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आज थोड़े प्रॉफिट ज़्यादा लेके जाता हूँ, लेकिन मेरा जो है रुकना गलत साबित हुआ और मुझे वापस जो है इसमें स्टॉप लॉस लेके जाना पड़ा। जितना मैं मतलब मुझे जो है प्रॉफिट जितना हो रहा था वो लगभग लगभग उससे थोड़ा सा मुझे कम पे लॉस पे जाना पड़ा। तो पहले बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड कब लिया था। तो मैंने ट्रेड लिया था 12:36 पे। प्लस मैं आपको थोड़ा आज ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ऑप्शन जो है वर्क करता है। 12:33 और 56 सेकेंड, मीन्स 12:33 और 56 सेकेंड पे मेरा जो है ट्रेड जो है इनिशिएट हुआ था। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, मैंने जो है ऐप में जो है ट्रेड के लिए उससे करीब 10 या 15 सेकेंड तक से पहले ही मैंने जो है ट्रेड के लिए ओके कर दिया था, लेकिन 10 से 15 सेकेंड तक जो है सर्वर घूमता रहा, उसके बाद जो है मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ। अब उस 10 से 15 सेकेंड का फर्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, मैंने लिया था जो है 41,40,100 का कॉल मैंने बाई किया था 12:33:56 पे। अब आइए देखते हैं, ये है जो कॉल है, 40,100 के कॉल का ये चार्ट है। तो देखिए ये है 12:33 पे, ये है 12:33 का ये है कैंडल है। अब जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ था, मीन्स ये कैंडल जैसे स्टार्ट हुई थी उस समय था प्राइस 103 रुपये, और जब मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ तो देखिए प्राइस क्या था, 122 रुपये पे मुझको ये ट्रेड मिला था। इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना 122 रुपये है, तो 122 रुपये जो है ट्रेड जो है मुझे इसका प्राइस मिला था, और सबसे हाई प्राइस पे ही मुझको ये ट्रेड मिला। मीन्स स्टार्ट हुआ जो है ऑप्शन का जो ये प्राइस था 103 पे है, और जब मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ तो 122 में, जैसे ही ट्रेड लिया मेरा ट्रेड लेते लेते ही 10 रुपये महंगा पर मुझे मिला। मेरा जो मैंने ट्रेड लिया था, जो ऑप्शन ट्रेड लिया था उसका मुझे 10 रुपये ट्रेड लेते ही महंगा मिला, और जैसे ही ट्रेड लिया उसके 1 मिनट बाद जो है 10 पॉइंट जो है नीचे की तरफ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ट्रेड लिया था, चार्ट में दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी के, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। जैसे ये जो हाई पॉइंट का मुझे ब्रेकआउट मिला था तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था करीब करीब 40,103 पे, 40,110 पे मैंने ट्रेड लिया था। हालांकि ऑप्शन पे जब बाई करते तो इससे इस प्राइस से कुछ लेना देना नहीं रहता, ऑप्शन की प्राइस से लेना देना होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसी ट्रेड पे ट्रेड लिया था और मुझे कुछ ही सेकंड में मुझे 300 रुपये का लॉस दिखाने लगा। मीन्स ऑप्शन कितना मीन्स फ्लक्चुएटिंग होता है कि एक ही मिनट के अंदर मुझे 300 रुपये का लॉस दिखा रहा था। ये देखिए पॉइंट, जो जैसे जैसे ही ट्रेड लिया मुझे तुरंत ये करीब 111 पॉइंट नीचे, मीन्स 111 रुपये पे गया है, लो 111 का लगाया, और मैंने अपना बाई ट्रेड के अंदर लिया था 122 रुपये का। मीन्स एक ही मिनट के अंदर मुझे 10 रुपये का जो है 10 पॉइंट का लॉस दिखा रहा, मीन्स करीब 250 पॉइंट का मुझको लॉस दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि अभी तो मार्केट तो सेम जगह पे, मुझे लॉस क्यों दिखा रहा है, यहीं पे है और मुझे लॉस दिखा रहा है। तो इसी तरीके से होता है ऑप्शन, ऑप्शन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उसकी फ्लक्चुएटी को आपको समझना पड़ेगा कि प्लस ट्रेडिंग आज जो है एक्सपायरी डे भी था तो वो भी उसमें भी एड ऑन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो है मेरी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है मार्केट, और जो है दो तीन यहाँ पे करीब 40,200 के पॉइंट पे जाता है, 40,200 पॉइंट पे जाता है, और जो है ऑप्शन प्राइस देखिए कहाँ तक गया था, ये जो है कितने मिनट की कैंडल है, 12:45 की कैंडल है, 12:45 की कैंडल पे ये देखिए ऑप्शन प्राइस गया है 154 रुपये। मुझको करीब करीब 800 रुपये का प्रॉफिट होने लगा था, और मैं उस एक टाइम के लिए सोचा कि जो है इस ट्रेड से निकल जाता हूँ अभी, जो कि मेरा टारगेट जो 700 750 का टारगेट रहता है, और 800 850 रुपये तक का प्रॉफिट होने लगा था। तो मुझे लगा कि अब टारगेट जो अचीव हो गया, मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि आज जो है मेरा ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में जा रहा है, थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। मुझे लगा कि ये अभी जो है एक काफ़ी सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, जो ये जो है
इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये काफ़ी टाइम के लिए ये जो है सपोर्ट अच्छा होगा, और मैंने जो है इसी पॉइंट पे जो है ट्रेड लिया है, तो मेरे पास अभी है, मीन्स अभी लिवरेज है कि मैं अपने अभी जो है थोड़े टाइम के लिए सस्टेन कर सकता हूँ अपने ट्रेड को। तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने लगता है, और उसके बाद मैंने जहाँ ट्रेड लिया था उससे करीब करीब अभी मार्केट 20 या 30 पॉइंट ऊपर ही है उसके, और यहाँ तक मार्केट आते आते मुझे जो है 600 रुपये का लॉस दिखाने लगा। मीन्स मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया था अपने ऑप्शन का, वहाँ से वापस उससे 20-30 पॉइंट अभी ऊपर ही मार्केट, तब भी मुझे 600 रुपये का लॉस दिखाने लगा। तो ये होता है एक्सपायरी के दिन। अब मुझे आज के दिन ये सीख मिली कि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। देखिए मैंने अपना जो है लॉस कब लिया, 1:10 की कैंडल पे। अब देखते हैं 1:10 की कैंडल कब है, ये देखिए 1:10 की कैंडल ये है। तो मैंने जो है 103 रुपये के लगभग लगभग अपना जो है ट्रेड को एंड किया, 97 मीन्स इसमें भी जो है सबसे जो लो हो गए 1:10, करीब करीब यहाँ 97 के आसपास जो है मैंने अपने ट्रेड को ख़त्म किया। 1:10 की कैंडल देखिए यहाँ पे 97 पे प्राइस पहुँच गया, और जो है एक्चुअल बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा था देखिए, अभी जो है मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था यहाँ करीब आसपास, और मार्केट जो है इसी के आसपास है, मीन्स मेरे सिर्फ 10 या 20 पॉइंट ऊपर ही है मेरे मार्केट प्राइस से, लेकिन उसके बाद भी मुझे 600 रुपये का लॉस दिखा रहा है। तो ये होता है ऑप्शन। ऑप्शन में अगर आप ज़्यादा टाइम तक रुक गए तो जो है टाइम डिके जो होता है, प्लस एक्सपायरी के दिन टाइम डिके और भी ज़्यादा होता है। मैंने जो है आउट ऑफ बाई ट्रेड नहीं किया था ऑप्शन का, एट द मनी मैंने बाई किया था ऑप्शन, उसके बाद भी जो है टाइम डिके जो है काफ़ी तेज़ी से इसका जा रहा था। अब मैं और भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो है मार्केट देखिए कितने तेज़ी से डिक्लाइन भी हुआ था, और देखिए उसके बाद इसीलिए जो है एक्सपायरी के दिन मुझे एक सीख मिली, ज़्यादा टाइम तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो। करीब करीब 2, 1 या 1:30 बजे ही मार्केट जो है उस जो है अगर आप देखोगे 40,100 का जो है ऑप्शन की प्राइस देखोगे तो ख़त्म हो चुका था, मीन्स उसका जो ऑप्शन की पूरी प्राइस थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये होता है कि बहुत तेज़ी से एक्सपायरी के दिन जो है उसके प्राइस जो है ख़त्म होती जाती है, अगर मार्केट उसके अपोजिट साइड में गया, अगर अपोजिट साइड में जा रहा है मार्केट तो ऑप्शन की प्राइस बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होगी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरी के दिन मुझे आज सीख मिली है, मेरे ट्रेड के थ्रू आप लोग भी सीखो। इसी जब आप ट्रेडिंग करो तो आपको ये मालूम रहे कि ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन आपको ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं रख करना है, अगर आपके अपोजिट में जा रहा है ट्रेड तो आपको निकलना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ट्रेड से निकल जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही था, मैं अपना लॉस दिखा देता हूँ, कितना लॉस हुआ था, 600 रुपये का मेरा जो है 616 रुपये का लॉस हुआ था, एक टाइम पे मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक सीख मिली मुझे आज के दिन कि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू गाइज़।